करता है, तो जिस जगह पे काटा है सांप, उस जगह का जांच करना है। अपने आँख से देखिएगा कि उसके दो दांत का निशान है क्या? अगर दो दांत का निशान है तो जहरीला सांप काटा है, समझ गए? हाँ, दो दांत देखिए, वो अगर दो दांत है आप समझ जाइए कि जहरीला सांप है। व्यक्ति को खाने पीने नहीं देना है, नहीं देना है, सोने नहीं देना है, चीरा नहीं लगाना है, बांधना नहीं है, बांधना भी नहीं है। नहीं, आप सीधा कहा जाएगा अस्पताल, बाबा के पास नहीं जाना है। एक लिए ही दो दांत है, सीधे अस्पताल, बिना लेट नहीं करना है, मतलब समझना कुछ नहीं है। अस्पताल उपलब्ध है, चार पांच दांत का निशान है देख रहे हैं आप, समझ जाइए बिना जहर वाला सांप, घबराना नहीं है, ठीक है? उस केस में भी आप अस्पताल जाएंगे, उस केस में भी आप अस्पताल जाएंगे। क्या है कि कभी कभी तो शीर सांप होता है, होने का डर रहता है, इन्फेक्शन होने का डर रहता है। आप जाएंगे वहाँ, कुछ आपको दवा एंटीबायोटिक वगैरह डॉक्टर साहब दे देंगे, आप ठीक हो जाएंगे, समझ गए? बाबा के पास ले जाएंगे। सर एक CPR वाला, इससे क्या CPR मेरी क्यों का हार्ट अटैक हो गया हो, गाड़िया दौड़े हो गया हो, चाहे कोई खदका से ग्रसित है, कभी देखते हैं ना गिरता है ऊपर से आसमान से बिजली, उस चपेट में भी आता है तो लोगों का शरीर हो जाता है, कोई लाइन नहीं करता है। करने का तरीका है, आपके पास गोल्डन आवर 4 से 6 मिनट है, हार्ट अटैक के केस में 4 से 6 मिनट है। हाँ, 4 से 6 मिनट के अंदर अगर आप CPR करते हो सकता है व्यक्ति जीवित हो जाए। करने का तरीका क्या है, हार्ट अटैक तो कहीं पे भी हो जाएगा आदमी को, है सबसे पहले उठा के उसको सुरक्षित जगह में ले आना, जमीन बिल्कुल प्लेन हो और हार्ड होना चाहिए, उसको इस तरीके से लेटा देंगे और उसके दाहिने साइड आकर के बैठ जाएंगे। घुटने के बाद जैसे वो महिला बैठी है, घुटने पे बैठी है ना, दाहिने साइड में बैठ जाना है इस पेशेंट के दाहिने। हाँ, उसके बाद इसका कंसेसनेस चेक करेंगे, पूछेंगे अपने भाषा में, क्या भाई साहब ठीक है, क्या भाई साहब ठीक है, तीन बार क्या भाई, कोई जवाब नहीं देगा, एम्बुलेंस को फोन करेंगे, समझ गए? एम्बुलेंस को अपना नाम बताएंगे, एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे और तो कट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका पल्स चेक करेंगे, पल्स चेक करने आता है आप लोग, आता है वहाँ वाला पल्स नहीं काम करेगा हार्ट अटैक के केस में। हार्ट अटैक के केस में यह सब क्या है ना, दो मार रहा है, कहाँ गया रहूं? जोर जोर से मार रहा होगा, पता चल गया है, मार रहा है ना, ये पल्स चल रहा है यानी व्यक्ति जीवित है। ये पल्स इसलिए करके बताते हैं चेक करने के लिए कि ये हार्ट के बिल्कुल नजदीक है, ये हार्ट से कितना दूर है, जब हार्ट अटैक किसी को आएगा ना तो ये पल्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, है ना, इसलिए करके ये पल्स सबसे लास्ट में 7 छोड़ता है दोनों साइड, इसलिए करके इसको चेक करेंगे। हाँ बोलिए, हाँ यहाँ पे चल रहा है, समझ गए? अगर ये पल्स चल रहा है व्यक्ति जीवित है, नहीं पल्स चल रहा है तो सांस भी नहीं ले रहा है, सांस भी नहीं ले रहा होगा, लेकिन सिक्योर होने के लिए क्या करेंगे, अपने गाल को इसके नाक के पास ले जाएंगे इस तरीके से,
पाँच दस सेकंड रखे, अगर हल्का भी सांस ले रहा होगा तो आपके काल पे गर्माहट का महसूस होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि हो सकता है अभी बोलते हैं पल्स भी नहीं चल रहा है, सांस भी नहीं ले रहा है, सीपीआर करना है, सीपीआर में आपको हार्ट को बनाना होता है, हार्ट का एक्सेप्ट को पसंद करना होना जरूरी है ना, ये जो अपना स्टर्नम वाली हड्डी है ये सीधा वाला जिसको ऑपरेट करते हुए आएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा हड्डी है मीडियम डॉर्सल, यह है ना, यहाँ पे ऐसे एक उंगली रखेंगे, अब बाएं हाथ का दो उंगली हाथ को फिर करेंगे इसके बगल में रख दिए, ये देखिए एग्जैक्ट लोकेशन पता हो गया, हाथ का उंगली साथ से लॉक कर लॉक कर दिए, बॉडी का पूरा वेट इसके ऊपर पूरा वजन, हाथ बिल्कुल एकदम सीधा रहेगा, गहराई होगा 4 से 5 सेंटीमीटर लगभग 2 इंच दबाना है, 30 बार इसको दबाएंगे एक रिदम में, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30 ये डमी है ना, ये डमी है ना, ठीक ठीक 30 बार दबा दिए, उसके बाद साफ कपड़ा लेंगे, रुमाल लेंगे, इसके मुंह पे रख देंगे, नाक को बंद किए, टुड्डी को उठाए, अपने अंदर पूरा सांस लिए, फूंक जोर से, फूंकना 30 बार 2 बार 30 बार 2 बार 5 बार करेंगे, एक साइकिल पूरा होगा, उसके बाद फिर पल्स चेक करेंगे, आ जाता है सीपीआर नहीं करेंगे, नहीं आता है पूरा स्टार्ट सीपीआर, हाँ जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाता है करते रहना है, अब देखिए इसमें क्या होगा, अभी तो इसका हार्ट एम्बुलेंस बंद था, अभी हम क्या इसको हार्ट को दबाए, बॉडी में ब्लड क्या हुआ, सर्कुलेट हुआ ना, माउथ माउथ हम लोग क्या दिए ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन का मिलावट होगा, हमारे कोशिका को चाहे ब्रेड जो कि सेल्स हमारे बॉडी का मिलते रहेगा तो वो जीवित रहेगा, समझ गए, तब तक मदद के लिए किसको बुलाया है, एम्बुलेंस आएगा उसको अगर कोई बच्चा है 1 साल से 2 साल तक सेम पोजीशन हुआ है उसको भी 30 बार दबाएंगे और 2 बार माउथ टू माउथ लॉन्ग बंद करके फूकेंगे, समझ गए, कोई शिशु है 0 से 1 ईयर तक का मिडिल फिंगर रिंग फिंगर दोनों निप्पल के बीच में इसका गहराई होगा 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर 30 बार इसको भी दबाएंगे और 2 बार क्या करेंगे इसका नाक और मुँह अपने मुँह में लेकर के हल्का फूकेंगे, जैसे चाय पीते हैं हम लोग ने, हाँ काहे कि उसका हार्ट और लंग्स छोटा होता है, समझ गए, और उसका ब्रेकियल पल्स चेक करेंगे शिशु का, समझ में आया, फीडबैक दीजिए।